सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 11। तो ये है कुछ बाहर का नज़ारा और ये रही अपनी 26:11। तो देखो ये है अपनी क्लासिक 350 BS4। तो आज मैं आपको इसमें पटाखे फोड़ने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करने के बाद फुल एक्सीलरेटर लेना है और इसके साथ पावर बटन को ऑन ऑफ करना है और दूसरा एक्सीलरेटर को अप डाउन करना है और इसके साथ में पावर बटन को ऑन ऑफ करना है। तो ये सिस्टम स्टॉक साइलेंसर में नहीं हो पाएगा जो कंपनी फिटेड आता है। इसके लिए या तो शॉर्ट बॉटल या फिर लॉन्ग बॉटल एग्जॉस्ट होना चाहिए, जैसे अपने वाली में लॉन्ग बॉटल एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो अभी कॉलेज में आए हैं और ये है अपने कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग। तो अभी कॉलेज जाके आया हूँ, ये मार्कशीट लेके आया हूँ। तो फाइनली कॉलेज में फ़ाइनल की मार्कशीट भी आ चुकी है। तो जिन जिन को मार्कशीट के बारे में जानना था, तो भाई कॉलेज में फ़ाइनल की भी मार्कशीट आ चुकी है और जिन जिन की वहाँ पर पेंडिंग है वो लेकर आ सकते हैं। और एक और बात, अपने पास MG मॉल वाले सिनेमा को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज यानी फ्राइडे को MG वॉल वाले सिनेमा की ओपनिंग सेरेमनी है। सो फाइनली आज डिसुम सिनेमा आज स्टार्ट हो जाएगा और उसमें मूवीज़ लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी उस साइड जाना हुआ तो आपको उसका फुल इनसाइट टूर दे देंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो देखिए मेरे पास एक स्ट्रेट बार्बल रोड और एक सेट वेट प्लेट्स, जिसमें कि 4 प्लेट्स है और एक प्लेट का वेट है 2.5 kg। तो देखिए जब मैं जिम नहीं जा पाता हूँ ना, तो मैं इन्हीं से वर्कआउट कर लेता हूँ और इस एक इक्विपमेंट से मैं मल्टीपल वर्कआउट करता हूँ, जैसे बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, स्कल क्रशर, बारबर कर्ल, फोरआर्म कर्ल, स्क्वाट, लंजेस और भी बहुत सारी। तो चलिए थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं।